स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए अमेरिका की कोशिश तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को इसकी बारीकी से जांच करने के लिए कहा। उन्होंने इस जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर मांगी है। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने की आशंका को लेकर भी जांच करने को कहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों से कहा है कि ये वायरस जानवर से फैला या किसी प्रयोगशाला से, इस बारे में स्पष्ट जांच की जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से सहयोग की अपील। बाइडेन ने जांच में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जांच में सहयोग करने की अपील की है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका दुनिया भर में उन देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो वायरस की जांच सही ढंग से कराना चाहते हैं। इससे चीन पर पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने का दबाव डालने में आसानी होगी। बाइडेन का बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फोसी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच आगे बढ़ाने की मांग की है। अमेरिका कोरोना वायरस की जांच के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एंथनी फोसी ने कुछ दिनों पहले इशारों में कहा था कि कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच की जानी चाहिए और इस मामले में किसी थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया था। कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने भी एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा था कि चीन 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। इस एक्सपर्ट ने शक जताया था कि लैब में रिसर्च के दौरान गलती से यह वायरस लीक हुआ। इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा, चीन वायरस की जो थ्योरी बताता है उस पर शक होता है क्योंकि नवंबर 2019 में ही वहां वुहान लैब के 3 वैज्ञानिकों में इसके लक्षण पाए गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा था कि कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा जाना चाहिए क्योंकि यह चीन से निकला और चीन ने ही इसे फैलाया। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर इन्हें दुनिया के सामने रखा जाएगा। हालांकि ट्रंप चुनाव हार गए और मामला ठंडा पड़ गया। अब बाइडेन के सख्त रुख ने चीन और WHO की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। WHO को ट्रंप चीन की कठपुतली कहते रहे। उन्होंने इस संगठन की फंडिंग रोक दी थी। बाइडेन ने इसे फिर शुरू कर दिया है लेकिन WHO पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पूरी जांच किए बगैर ही चीन को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि वायरस लैब से लीक नहीं हुआ। अब अमेरिका के सख्त रुख के बाद WHO पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि दूसरे देश भी उससे जवाब मांगेंगे। भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव बोले, सत्ता के काले चश्मे में इन्हें कफन के बिना दफन लाशें नहीं दिखती, तड़पते मरीजों की चित्कारें नहीं सुनाई पड़ती। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि महज कुर्सी की चाहत में भाजपा और मुख्यमंत्री को गरीब अस्पताल में तड़प रहे मरीजों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर संक्रमण और ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के दावे कर रहे हैं जबकि जमीनी हकीकत बहुत दर्दनाक है। सच तो यह है कि सत्ता के काले चश्मे से शायद भाजपा नेतृत्व को कफन के बिना दफन लाशें नहीं दिखती है, बहरे कानों में तड़पते मरीजों की चीत्कारें नहीं सुनाई देती है। अखिलेश ने आरोप लगाए हैं कि लोगों की जिंदगी भाजपा राज में बहुत सस्ती हो गई है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात तो छोड़िए, राजधानी लखनऊ में और खुद मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। संक्रमित मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, बिना दवा इंजेक्शन के मरीज तड़प रहे हैं, मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। याद रहे, गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जाती है। अखिलेश बोले, अभी तक 130 दिन में 35 लाख लोगों को दूसरी डोज भी नहीं लग पाई है। अगर यही रफ्तार रहेगी तो दिवाली 2021 तक यूपी में सबको टीकाकरण का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। कई टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तमाम जगहों से युवा और बुजुर्ग घंटों इंतजार के बाद लौट रहे हैं। अस्पताल में तड़प रहे मरीजों के तीमारदार के दर्द को मुख्यमंत्री जी कहां महसूस कर पाएंगे। पूरे सिस्टम पर कालाबाजारी की कमाई का पर्दा जो पड़ा हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि लखनऊ के चिनहट ब्लॉक के गांव जुगोरा में इसी माह 50 लोगों की मौत हो गई। गोसाईगंज क्षेत्र के यूसुफ नगर बगियामऊ गाँव में पिछले 1.5 महीने में 20 से अधिक मौत हुई है। मुख्यमंत्री के जिले सरदारनगर ब्लॉक के गोनार गाँव में 2.5 महीने में 100 से ज्यादा मौत हुई है। ब्रह्मपुर ब्लॉक के राजधानी गांव में 1 महीने में 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। रुद्रपुर देवरिया के बैदा गांव में 1 महीने में 20 और बलिया के सोहाव गांव में 1 महीने में 42 मौत हुई। इस सब के बावजूद प्रशासन बेखबर है। दिल्ली
चार्जशीट में दावा किया गया है मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश में लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे किसान। किसान प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी को लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में यह बातें सामने आई हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और इसे एक नया प्रदर्शन स्थल में तब्दील करने की साजिश थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से 26 जनवरी की तारीख चुनी। पुलिस ने 3224 पेज की अपनी चार्जशीट में लाल किले पर हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में कई जगह हिंसा की आग भड़की थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने चार्जशीट को लेकर कहा कि योजना के अनुसार किसान बड़ी संख्या में लाल किले में दाखिल हुए और घंटों परिसर में रहे। किसान लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और इसे एक नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दुनिया भर में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी का विकल्प चुना। लाल किला हिंसा की चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आगे कहा है कि इसके लिए नवंबर दिसंबर में योजना बनाई गई, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इससे संबंधित डेटा भी अटैच किया है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला हिंसा से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है और इसमें अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू और अन्य को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट 17 मई को 30,000 में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई थी। अब इस पर 28 मई को सुनवाई होगी। चार्जशीट में बताया गया है कि इस हिंसा में दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों के करीब 500 से ज्यादा कर्मी जख्मी हुए। कई पुलिसकर्मी तो गंभीर रूप से जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों पर किया गया यह हमला जानलेवा था। इस बाबत दिल्ली पुलिस के विभिन्न स्तर पर जाँच कर 44 FIR दर्ज की है। अब तक 150 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस मामले में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू के अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने वांटेड मनिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जिसे 26 जनवरी को हिंसा भड़काने पर दोनों हाथों से तलवारें लहराते देखा गया था। 26 जनवरी के दिन मनिंदर सिंह द्वारा लाल किले पर लहराई गई 4.3 फीट आकार की 2 तलवारों को भी दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित उसके घर से बरामद किया गया था। स्वास्थ्य केंद्र की हालत पर भड़के लालू यादव, कहा नीतीश ने स्वास्थ्य केंद्र को बना दिया कबाड़ा। JDU का पलटवार, कहा चारवे विद्यालय के बदले नर्सिंग क्यों नहीं बनवाए। बिहार में स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छी व्यवस्था को लेकर सरकार दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर ही सरकार पर निशाना साध रहा है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य केंद्रों को कबाड़ बना दिया है, उन्हें आईना देखने की जरूरत है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद से सीधा सवाल पूछा है कि लालू जी के पैतृक गांव फुलवरिया पहले कितने मरीज जाते थे और अब कितना जाते हैं, मूल्यांकन कर ले। 123 चरवाहा विद्यालय बनवाया लालू ने, नर्सिंग स्कूल क्यों नहीं बनवाए, मेडिकल कॉलेज के बारे में क्यों नहीं सोचे। लालू प्रसाद इन दिनों जमानत पर है, वे अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को लेकर उन्होंने लगातार ट्वीट किए। सबसे पहले मधुबनी का जिक्र करते हुए लिखा है कि जिले में ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना चाहिए। लालू प्रसाद ने साथ में हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के हरसुवार गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर भी साझा की है। लालू प्रसाद ने रामगढ़ विधानसभा में पड़ने वाले कबिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की फोटो साझा करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार आईना तो देखिए, हमारे द्वारा निर्मित हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कराकर क्या मिला, खुद नया एक नहीं बना पाए, लेकिन पूर्व निर्मित कबाड़ जरूर कर दिया। इससे पहले लालू प्रसाद ने बांका जिले के बोंसी प्रखंड के भवन गामा के स्वास्थ्य केंद्र की फोटो शेयर की, साथ ही लिखा है कि यहां जाकर तो कोरोना भी अपनी मौत मर जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार ने हमारे बनाए हुए ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्र बंद करवा दिए, लेकिन कागजों में चालू रखा ताकि इनका लूट अभियान जारी रहे। नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने के लिए बयान पर JDU के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू जी राजनीति के वह शख्सियत है जिनका अपने विधायकों से संवाद के क्रम में ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जाता है, लेकिन पॉलिटिकल किट आगे बढ़ जाता है। यह गहन जांच का विषय है। लालू जी के पैतृक गांव फुलवरिया पहले कितने मरीज जाते थे और अब कितना जाते हैं, मूल्यांकन कर ले। 123 चरवाहा विद्यालय बनवाए लालू ने, नर्सिंग स्कूल क्यों नहीं बनवाए।
100 करोड़ की वसूली के आरोप में अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट में अब 8 जून को होगी सुनवाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए 100 करोड़ की वसूली का आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब 8 जून को सुनवाई होगी। इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से देशमुख के खिलाफ दर्ज FIR के 2 पैराग्राफ को हटाने और उनके खिलाफ CBI द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि CBI उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से परे जाने की कोशिश कर रही है। CBI ने इन 2 पैराग्राफ में पिछले साल कोरोना संकट काल के दौरान निलंबित API सचिन बझे की बहाली और कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले का उल्लेख किया है। इसी को लेकर राज्य सरकार को आपत्ति है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अदालत ने अपने 5 अप्रैल के आदेश में परमबीर सिंह के आरोप की जांच का आदेश दिया था। वजह की बहाली और ट्रांसफर के मामले पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि CBI सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन कर रही है जिसमें देशमुख के खिलाफ बिना FIR के जांच करने को कहा गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र देश के कुछ ऐसे राज्यों में से है जहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI कोई जांच नहीं कर सकती है। इस मामले में CBI ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना मामलों की जांच की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि CBI ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मंगलवार को देशमुख के करीबी के घर पड़ा था ED का छापा। इससे पहले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ED ने शिवाजीनगर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबी सहयोगी सागर भटेवार के घर छापा मारा था। सागर को देशमुख का बिजनेस पार्टनर कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे सागर के घर पहुंची और तलाशी ली। हालांकि टीम के सदस्यों ने यह नहीं बताया कि तलाशी के दौरान कौन से दस्तावेज मिले हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कई तरह के दस्तावेज ईडी टीम अपने साथ ले गई है। इससे पहले मार्च महीने में CBI ने देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों व अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। CBI की FIR के आधार पर ही ईडी ने भी देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ECIR दर्ज की है। इस केस में देशमुख के अलावा उनके कुछ करीबियों को भी संदिग्ध माना गया है। सागर के घर छापे की कार्रवाई को देशमुख के इन सभी करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसने की शुरुआत माना जा रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।